गुमला में प्रकृति के पूजा कर्मा एकादशी पर सभी जगहों में ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। दरअसल इस दौरान बैगा पूजा द्वारा तीन कर्म की डाली लाकर अखाड़े में गाड़ दी गई, जिसके बाद सामूहिक रूप से भाई और बहन एकत्रित होकर धुर पूजन की और अपने भाई के सुख समृद्धि व उन्नति के लिए भाई नव भी बहन के लिए उपवास का व्रत रखा, जिसके बाद कर्म और धर्म से जुड़े हुए कथा कहानी का भी पुरोहित के द्वारा वाचन किया गया, जिसका सभी व्रतियों के द्वारा प्रयाण किया, जिसके बाद युवक और युवतियों ने रात भर पारंपरिक के वाद्य यंत्रों में मांदर व नगाड़े की थाप पर युवक युवती कर्म की डाली के समीप नृत्य कर रात जगा की, जिसके बाद बुधवार की सुबह एकत्रित होकर नाच गान करते हुए कर्म की डाली को नदी में प्रवाहित किया गया, जिसके बाद व्रत कर्मी ने की कर्मी साख के साथ व्रत का पारण किया। वहीं श्री कृष्ण छात्रावास के संरक्षक ने बताया कि कोरोना काल की वजह से पिछले दो वर्षों में त्योहार फीका रहा है, लेकिन इस वर्ष पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जहां क्षेत्र के सभी सनातनी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उपस्थित अतिथियों का स्वागत भी किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। कर्मा पर्व शुभ अवसर पर ये भाई बहनों का ये अटूट संबंध के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है। और एक पौराणिक कथा इसमें बहुत पहले की बात है, एक बहन रहती थी, सात भाई सात गोतनी और एक बहन। इसमें कालखंड में बहुत पुरानी बात है कि एक समय ऐसा था कि कर्म और धर्मा दो भाई थे, एक कर्म करता था एक धर्म का काम करता था। कालखंड को देखते देखते हुए यहाँ आए और देखे कि यहाँ हमारा कोई स्वागत नहीं हुआ। कर्मा ये कर्म डाली को, ये तीन डाली को ला के गाड़ के ये लोग कर्म नाच रहे थे, इसी में इसको उखाड़ के फेंक दिए। उखाड़ के फेंक देने के बाद उसके जो क्षतिपूर्ति हुआ, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और यहाँ कर्मा और धर्मा दोनों भाई का जो संबंध था, इसी को देखते देखते एक समय ऐसा आया और भादो के एकादशी के दिन में ही उसको बोला गया कि भाई कर्मा आपने बहुत कर्म किया है, धर्मा का जो धर्म है उसको अपने नष्ट करने का प्रयास किया है। और भादो के एकादशी के दिन में है कर्म राजा का तीन डाली को काट के इसको अनुनय विनय करके यहाँ ला के अखाड़े में लाया और इसको आराधना आराध्य देव किए हुए कर्मों को कर्मा ने पछतावा किया। इसके बाद ये प्राकृतिक के पूजा के साथ साथ प्राकृतिक का ये त्यौहार है। कर्मा पर्व के बाद में हमारे इसके पहले में जैसे हरियाली आई है खेती बाड़ी करके ये लोग अपना ये जो भी शांति सुख शांति के लिए और खेती बाड़ी अच्छा हो फसल हो और भाई बहन का यह अटूट संबंध है। इसमें कहा जाता है कि भाई बहन अपने भाई का बहन अपने भाई का शुभ कामना अच्छी कामना के लिए ये उपवास करती है, भाई अपने बहन की रक्षा के लिए इसमें उपवास करता है। और ये कर्म का तीन डाली लाने का एक ही मकसद है, इसमें पौराणिक कथा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ झारखंड में 32 जनजाति मनाते हैं। इसके अलावा पांच जनजाति है मुख्य रूप से, ये उरांव मुंडा खड़िया संथाली, इनकी सबसे बड़ा पर्व मनाया था। साथ साथ सदान जो है सदान हमारे कर्मा पर्व को हर्षोल्लास के साथ में ये जो भाई बहन जो है जो प्रकृति के संबंध में इसी पूजा को मना। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।